अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं तुहाडा अपना आर के रजाक ते तुसी वेख रहे हो अपना रंग टीवी। इस टाइम असी मौजूद हाँ लाहौर दे इलाका कैंट दे विच, जिथे एक छोटी जी 15 साल की बच्ची खाना वेच रही है, अपना रोज़गार कमा रही है। उहदे कोलों जानन की कोशिश करने कि यह मजबूरी है या जरूरत है, क्योंकि 15 साल की बच्ची या बच्चा उहदी उम्र हुंदी है तलीम हासिल करना, पढ़ना, खेडना, अपने जिंदगी दे छोटे छोटे शौक पूरे करना। लेकिन इन्नी उम्र दे विच जदों कोई बच्चा कारोबार करता है या जदों अपने आप नूं अजियत देंदा है, तो उहदा मतलब कि कोई ना कोई मजबूरी है उहदी। तो जानन की कोशिश करने कि इन्हां दी की मजबूरी है, की परेशानी है इन्हां नूं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा की नाम है तुहाडा? निमरा। 15 साल उम्र है तुहाडी, ठीक है। तो 15 साल की उम्र दे विच है, उम्र दे विच तुहानूं चाहिए स्कूल जाना, खेडना, अपने जिंदगी दे छोटे छोटे जिहड़ा शौक पूरे करना अपने वालदैन दे नाल। लेकिन तुसी रोड दे उत्ते खाना वेच रहे हो, की मजबूरी, की परेशानी? मेरी मम्मा को 15 साल होया काम करते हुए। जब मैं 8 साल की थी ना, वब से अपनी मम्मा के साथ मैं काम कर रही हूँ। मेरे पापा को 15 साल हो गए फोत हुए, 6 माह की जब मैं पैदा फोत हुए। अच्छा, तो यानी रोज़गार तुसी अपना गुजारा करन वास्ते रोड दे उत्ते तुसी खाना वेच रहे हो, तो इस तो अलावा कोई तुहाडा वसीला नहीं हैगा या कोई होर जरिया नहीं हैगा, कोई चाचू को भाई नहीं हैगा तुहाडा? भाई वगैरह चाचू वगैरह ने ले ली है, वो कौन उन्होंने फायदा उठाया, बेटे सास, बेटे सास। अच्छा, किन्ने भैना भरा हो तुसी? हम 5 भैन भाई, बड़ी भैन है शादीशुदा, उसका हस्बैंड फोत हो गया, साल हो गया, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। ते तुहाडा सगा भाई कोई नहीं हैगा? भाई भाई चाचू वगैरह ने ले ली है, वो नहीं आने देते। तुहाडा अपना सगा भाई? हाँ जी, भाई वगैरह। ते तुसी जड़ा अपना गुजारा करदे हो इस तरह रोड दे उते दही पल्ले वगैरह और पकौड़े वगैरह बेच के? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का के। अच्छा, मैनू यह दसो कि यह उम्र है जड़ी 15-16 साल, 17 साल, 20 साल उम्र, यह उम्र होंगी है स्टडी करना, पढ़ाई करना, तलीम हासिल करना। लेकिन तुसी इत्थे वेच रहे हो, तो कि तुसी चाह रहे हो तुसी तलीम हासिल करो 5 तक 5वीं तक 5वीं तक, और अगे पढ़न दा कोई है प्रोग्राम? मैं पढ़ती हूँ आगे भी, ऐसे क्यों झूठ बोलूँ, मैं स्टडी करती हूँ साथ साथ आर्मी ऑफिसर। ये कितने बजे तक से लेकर कितने बजे तक ये आप? 12 बजे से लेके शाम मगरिब से पहले पहले। तो अच्छा गुजारा हो जाता है? अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, 2 टाइम की रोटी मिलती है जी। नाजरीन, तुसी सुनया के छोटी जी बच्ची है और ओदे हौसले बुलंद ने, ओदा कहना कि अल्लाह पाक दा हर हाल च शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह जिस हाल च भी रखे। तो साडे मुआशरे दे विच ऐसे ऐसे लोग ने जिन्हां कोल गड्डियां ने, कारां ने, दौलत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन अल्लाह दा शुक्र नहीं। तो अल्लाह दा शुक्र करना भी एक बहुत वड्डी नेमत है, ठीक है। जिस हाल च भी बंदा बंदे नूं अल्लाह पाक रखे, अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करना चाहिए, और इसे ही बंदे नूं अल्लाह पाक नवाजदा है। जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक दी मर्जी दे नाल अपने आप नूं ढाल लैंदा है ना, उहनूं अल्लाह पाक मजीद नवाज देंदा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जिल्लत खाई थी, और हम थोड़ी सी जिल्लत खा लेते हैं तो हमारी चिंखें निकलती हैं, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सी जिल्लत सही थी, लोग पत्थर मारते थे उनको, उन्होंने नंगे पाँव चल लिया था, इतना सफ़र उन्होंने किया हुआ है, तो हम उनके रास्ते पर नहीं चल सकते, तो फिर किस रास्ते पर चलेंगे? यानी आपका मतलब है कि मेहनत मजदूरी करना, काम करना, ये भी एक इबादतों में से ही एक इबादत है? हाँ जी, पढ़ लिख के भी नौकरी करनी होती है, अनपढ़ ने भी नौकरी करनी होती है, मैं पढ़ती भी हूँ, एक नौकरी भी करती हूँ, यही समझ के करती हूँ। अल्लाह ताला का फरमान है, हर हाल में उठते बैठते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए जी। नाजरीन, तुसी छोटी जी बच्ची दियां गल्लां सुनिया ने कि दिल जड़ा ना लरजा जाने वालियां गल्लां ने। छोटी जी बच्ची है लेकिन उहदा हौसला इन्ना बुलंद है, तो कहिंदी कि कारोबार करना, अच्छी रोजी रोटी कमाना, हक हलाल दी रोजी कमाना, यह भी एक इबादत है। तो इसे तरह ही साढ़े जिन्ने भी मुआशरे के लोग ने, अगर वह मेहनत मजदूरी नू एक इबादत समझन, एक अपना जिंदगी का मिशन समझन, तो साढ़े मुल्क दे विचों बेरोज़गारी भी खत्म हो सकती है, और साढ़े मुल्क दे विचों जिहड़ी असी नाशुकरी करने आ वह भी साढ़े मुल्क विचों खत्म हो सकती है। इसे तरह ही मैनू दिओ इजाजत, इंशाल्लाह नैक्सट प्रोग्राम से किसी नैक्सट स्टोरी के नाल तुहाडे नाल इंशाल्लाह मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफिज़।